नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी जॉब अपडेट लेकर आ गया हूं, जो कि साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता द्वारा गुड्स गार्ड रिक्रूटमेंट 2021 का फाइनली नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दोस्तों, यह नई भर्ती निकल कर आई है, जिसमें 520 पोस्ट मिलने वाला है। तो अगर आप भी इसमें अपना फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप ग्रेजुएशन पास है तो यह फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, पूरा वीडियो को देखिएगा तो आपको एक एक बारीकी से मैं डिटेल में आज जानकारी देने वाला हूं। आपका फॉर्म कब से अप्लाई होगा, इसमें क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, आपका एज लिमिट क्या मांगा गया है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, बीच में अगर आप छोड़ के चले जाइएगा तो आपका समझ में नहीं आएगा और फॉर्म अप्लाई करते समय भी आपका दिक्कत आ सकता है, तो आप वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर जो भी जानकारी आपको दी जाती है सही और सटीक बहुत कम समय में। दोस्तों, चलिए इस नोटिस में देखते हैं क्या क्या मेंशन किया गया है और कब से अप्लाई होने वाला है। दोस्तों देखिए, यह ऑफिशियल नोटिस है, कोई फेक नोटिस नहीं है, मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। यह ऑफिशियल नोटिस है, ऊपर में आपको मेंशन भी किया गया है, साउथ ईस्टर्न रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है। यहाँ पर आपको कोलकाता 7043 भी मेंशन किया गया है, यानी पिन कोड। नीचे में आइएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर आपको डेट ऑफ इशू यानी अप्लाई डेट है 24 नवंबर 2021 से, आप इसमें यहाँ पर क्लोज डेट है 23 दिसंबर 2021 तक। ऑनलाइन फॉर्म बिल्कुल फ्री में दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं, इसमें एक भी पैसा नहीं लगने वाला है, बिल्कुल फ्री में। अगर आप जनरल ओबीसी एससी एसटी कोई भी कैंडिडेट को इसमें पैसा नहीं लगने वाला है, अपने मोबाइल से घर बैठे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अपना फॉर्म मोबाइल से घर बैठे अप्लाई करना चाहते हैं, मुझे कमेंट कीजिए, मैं वीडियो बनाकर आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा, आप घर बैठे फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, और नोटिस के नीचे में जैसे ही आइएगा तो यहाँ पर पोस्ट आपका देखिए, यहाँ पर नेम ऑफ द पोस्ट है आपको गुड्स गार्ड, यहाँ पर आपको कितना सैलरी मिलने वाला है 5200 से लेकर 20200 और ग्रेड पे इसमें 2800 रुपये रखा गया है। दोस्तों, जनरल की सीट है 277 पोस्ट है, एसी का सीट है 126, एसटी के है 30 पोस्ट, ओबीसी के लिए 87 पोस्ट, टोटल पोस्टों की संख्या 520 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको डिग्री यानी आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए, वह कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपको यहां पर लास्ट में देखिए सीवीटी एग्जाम होगा, यानी आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है। और नीचे में दोस्तों यहां पर आइएगा तो आपका एज लिमिट भी मेंशन किया गया है, देखिए यहां पर आपको एज होना चाहिए, लास्ट आपको 47 वर्ष तक एज रखा गया है, जो कि यहाँ नीचे में मेंशन भी किया गया है। देखिए, अगर आप जनरल हैं तो 18 से 42 वर्ष एज होना चाहिए, जो कि 2 जनवरी 1980 के बीच में आपका एज होना चाहिए। ओबीसी हैं तो आपको 18 से 45 वर्ष, और अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो 18 से 47 वर्ष एज होना चाहिए, जो कि 1 जनवरी 2004 के अनुसार होना चाहिए। दोस्तों, और नीचे में आइएगा तो यहाँ क्वालिफिकेशन के बारे में दिया गया है कि आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी से पास होना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटी बोर्ड होता है उससे पास होना चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एप्लीकेशन फी एग्जामिनेशन फी आपको नील है, यानी एक भी रुपया इसमें नहीं लगने वाला है, बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ मोड ऑफ एप्लीकेशन आप जैसे अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पर देखिए ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो कि आपको यहाँ भी मेंशन किया गया है 24 नवंबर 2021 से 23 दिसंबर 2021 तक अपना फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। और नीचे चलिए दोस्तों जानते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। जैसे ही दोस्तों नीचे आइएगा, यहाँ पर देखिए आपको सिलेक्शन प्रोसेस, जो कि आपको यहाँ पर लिखा भी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीवीटी टेस्ट के आधार पर आपको इसमें सिलेक्शन किया जाएगा, जो भी पहले का रूल है उसी के अनुसार दोस्तों इसमें आपको सिलेक्शन मिलने वाला है। आपका नीचे और आइएगा तो एडमिट कार्ड के बारे में भी मेंशन किया गया है, आपको ई एडमिट कार्ड यहाँ डाउनलोड होगा। तो दोस्तों यही थी खबर, आपका नोटिस का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से और वीडियो और जानकारी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों के पास शेयर कर ले दोस्तों, क्योंकि उन लोग का भी इस जॉब के लिए बहुत दिन से इंतजार होगा। तो अगर साथ में अप्लाई करेंगे तो अच्छा होगा, एग्जाम देने में भी आपको अच्छा होगा, साथ में जाएंगे आप लोग का दोस्त होंगे तो दोस्तों जाइए और अपना फॉर्म अप्लाई कीजिए। अगर आप अपना फॉर्म मोबाइल से अप्लाई करना चाहते हैं जरूर मुझे कमेंट कीजिए, मैं वीडियो बनाकर आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा, आप बिल्कुल फ्री में घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगला वीडियो में मिलते हैं किसी खास जॉब अपडेट लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।